फ्रेंड्स, मैं रंजना तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम मेड ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऑरेंज फेशियल किट लेके आई हूँ। इस ऑरेंज फेशियल किट में आप तो जान ही रहे हैं, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद है, ना आपका पार्लर बंद खुला है, ना कहीं आप कुछ कर सकते हैं। तो हम घर बैठे अपने फेस का कैसे केयर करें, इसलिए हम आपके लिए ये सारे सामान लेकर के आए हैं जो आपके घर पे साधारण तरीके से उपलब्ध हो जाते हैं। तो आज हम आपको ऑरेंज फेशियल करना बताएंगे। तो ऑरेंज फेशियल के लिए हमें क्या करना है, ऑरेंज का हमें जूस ले लेना है 3 से 4 टेबल स्पून। ये हमारा एलोवेरा जेल है। आप एलोवेरा जेल मार्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है घर का इस्तेमाल किया है। ये हमारा बेसन है, ये हमारी टर्मरिक है, और ये हमारा मैदा है, ये हमारी हनी है, और ये है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आलमंड ऑयल ले सकते हैं। यहाँ हम कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किए हुए हैं। तो हमें इसे कैसे बनाना है, किस तरह से अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, एक बाउल हमने लिया। जैसा कि फेशियल में हमारा 4 से 5 स्टेप होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्लीनअप, स्क्रबिंग, मसाजर और फेस पैक। तो हम अपने फेस को सबसे पहले क्लीन करते हैं। तो क्लीन किस तरह से करते हैं, क्लीन करने के लिए हमें ये सौंफ की जगह हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। इस बेसन में हमने इसे गुलाब जल डाल के या सादे वाटर से आप इसे इस तरह से लिक्विड बना लीजिए। ये हमारा क्लीनअप का काम कर रहा है, क्लींजिंग मिल्क। पहले हमें 2 मिनट इससे अपने फेस को इस तरह से राउंड राउंड करके साफ कर लेना है, अपर लिप्स के नीचे और फ्रंट नोज, कॉर्नर नोज, इन सब जगहों पे रोल रोल करके फोरहेड के पास हमें यूँ 2 मिनट तक इसे रोल रोल करके साफ कर देंगे। 2 मिनट करने के बाद हम इस अपने हाथ को वॉश कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, हमने अपने फेस को, ये हैंड को आप फेस समझिए, इसको हमने वॉश कर लिया। इसके बाद हमारा क्या काम आता है, स्क्रब का। तो फ्रेंड्स, स्क्रब के लिए हमने इसी बेसन में ही हमने चावल के दाने को डाल दिया है पीस के, जो हमारा स्क्रब का भी काम किया, 2 in 1। मैंने इसमें बेसन और चावल के आटे को मिक्स किया और साथ में हमने 2 मिनट तक अप्लाई किया, जो कि हमारा स्क्रब का काम किया। इसके बाद हमने अपने हाथ को इस तरह से साफ कर लिया। अब हमें फेस पैक तैयार करना है, फेशियल मसाजर क्रीम। तो फेशियल मसाजर क्रीम तैयार करने के लिए ये हमारा ऑरेंज जूस है। इस ऑरेंज जूस में हमने चुटकी भर टर्मरिक डाली, और ये हमारा मैदा। क्योंकि ऑरेंज जूस फेस पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो जूस उतना अच्छा हमारा हाथ नहीं चलेगा फेशियल की तरह, इसलिए हमें इसे क्रीम की तरह अप्लाई करना है, तो क्रीम की तरह हमें इसे बनाना पड़ेगा। ये हमारा, ये बहुत थिक नहीं होना चाहिए, इस तरह से हमारा तैयार होना चाहिए। इसके बाद हमें थोड़ा सा हनी डालना है, और 2 से 3 बूंद हमें ये नारियल ऑयल डालना है। हमारा फेशियल क्रीम तैयार हो गया। फ्रेंड्स, ये तैयार हो जाएगा क्रीम जैसा। अब हमें इस अपने फेस पर क्रीम की तरह अप्लाई करना है, फेशियल क्रीम की तरह। हम फेशियल क्रीम की तरह अप्लाई करेंगे, पर चूंकि अपन खुद पे खुद से फेशियल कर रहे हैं, इसलिए हमारा सारा स्टेप तो नहीं चलेगा। हम पूरे फेस पे यूं रोल रोल करके मसाज करेंगे इस तरह से।
कॉर्नर लिप्स के पास, अपर लिप्स के पास, फोर हेड के पास और हमारा फ्रंट नोज। फ्रंट नोज पे हम इस तरह से अप्लाई करेंगे, कॉर्नर नोज, इन सब जगहों पे हम कम से कम 10 मिनट तक इस क्रीम से मसाज करेंगे। 10 मिनट फ्रेंड्स, 10 मिनट मसाज करने के बाद हम अपने फेस को सादे पानी से वॉश कर लेंगे। फ्रेंड्स, 10 मिनट मसाज करने के बाद हमने अपने फेस को वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद ये हमारा एलोवेरा जेल फेस पे हम अप्लाई करेंगे इस तरह से। कम से कम 2 से 3 मिनट। इसे अप्लाई करने के बाद अब हमारा काम आता है फेस पैक का। अब हम इसके बाद फेस पैक लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हाँ, जैसा कि हमने बताया कि इसको जो है हमने एलोवेरा जेल से 2 से 3 मिनट इस पर अप्लाई किया। इसको करने के बाद हमारा फेस पैक का नंबर आता है। फेस पैक के लिए हमने, चाहे आप मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल कर लीजिए या बेसन इस्तेमाल कर लीजिए, गुलाब जल में इस तरह से इसका पेस्ट हम बना लेंगे। तो बेसन से बना हुआ फेस पैक, हमने बेसन को गुलाब जल में मिक्स करके ये फेस पैक तैयार किया है। फ्रेंड्स, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा एक वीडियो गया है फेस पैक का, ऑरेंज के छिलके से बना हुआ फेस पैक। चूँकि हम ऑरेंज जूस से बना हुआ फेशियल किट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर हम ऑरेंज से बना हुआ फेस पैक इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए, अभी हम यहाँ पे बेसन का फेस पैक बना करके हमने अप्लाई किया है। तो इसे हम पूरे फेस पे फेशियल ब्रश से ऊपर की तरफ पूरे फेस पे हम इस तरह से लगा देंगे। और इसे लगाने के बाद हम 5 मिनट छोड़ देंगे, सूखने तक का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, ये जब सूख जाएगा तो इसे हमें क्लीन कर देना है। फ्रेंड्स, उसके बाद हमें इसे साफ़ कर देना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो अपने स्किन पे कोई मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना ना भूलें। 2 मिनट तक कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमारी स्किन नॉर्मल है, सेंसिटिव है, तो फिर हम अपने स्किन पर स्किन टोनर लगा करके छोड़ देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड्स, इसे देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।